अब मुझे बताएं कि अगर कोई वालदा ज़्यादा मैके जाती हैं, हफ्ते में 3-3 दफ़ा जाती हैं, और एक जब से एक फ्री व्हाट्सएप अजाब आया है तो नहीं जाती हैं तो वहीं रहती हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बच्चों को बाहर के बैड इन्फ्लुएंस से कैसे बचाएं, दोस्तों से या लोगों से बुरी चीज़ें जो सीख लेता है बच्चा? घर का इन्फ्लुएंस अच्छा करके, घर का माहौल अच्छा करके। लेकिन अगर आपके घर का माहौल अट्रैक्टिव नहीं है भाई, तो उसको बाहर जाएगा। अगर घर के अंदर, बाज़ दफ़ा ये लोग समझते हैं कि शायद माँ बाप के झगड़ों से बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ता, बहन भाइयों के आपस के झगड़े से शायद बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ता। तो बच्चे की दिलचस्पी बाहर अगर घर से ज़्यादा है तो बच्चा बाहर जाएगा। एक बार देखिए, मैं तो कुर्बान जाऊँ रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कि आपने कुरान पाक जिस तरह जो है वो सिखाया सहाबा किराम को और फिर उलमाए किराम की एक पूरी तरतीब के साथ हम तक पहुँचा। जब सुकून की बात हुई कुरान पाक के अंदर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह बताया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाय सुकून बनाया है। यानी आपका सारा सुकून कहाँ है? आपके अपने घर में। अब मुझे बताएं कि अगर कोई वालदा ज़्यादा महके जाती हैं, हफ्ते में 3-3 दफ़ा जाती हैं, और एक जब से एक फ्री व्हाट्सएप अजाब आया है तो नहीं जाती हैं तो वहीं रहती हैं, लाइफ कनेक्ट हुई हुई हैं, यानी घर में तो नहीं है ना। अगर आप लाइव कनेक्ट कहीं और हैं तो आप घर में तो नहीं है ना, जिस्म आपका यहाँ पे। इसी तरह जो वालिद होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि यार मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाऊँ, दोस्तों के साथ बाहर चला जाऊँ, दोस्तों के लिए घूम फिर रहा हूँ, या रात को आपको अगर जल्दी आ सकते हैं तो भी बड़ी देर से घर पहुँच रहे हैं। तो आप भी अपने घर को जाए सुकून नहीं समझते, वालदा भी अपने घर को जाए सुकून नहीं समझती। अच्छा, जो थोड़ी देर के लिए आप आते हैं और आपकी जो गुफ्तगू होती है वो कभी भी इतनी सेहतमंद फ़ज़ा कायम नहीं कर रही होती कि बच्चे भी वहाँ बैठना पसंद करें, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? वो दिलचस्पी अपनी कहीं बाहर ढूंढेंगे। तो बच्चों की दिलचस्पी की चीज़ें आपको घर में पैदा कर रही, वो कैसे होंगी बच्चा बन के? हमारे वालदैन ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट भूल रहे हैं कि वो हमारी एज के नहीं हैं, हम उनकी एज के कभी थे। तो जब तक आप बच्चों जैसी हरकतें अपने घर में करना नहीं शुरू करेंगे, बच्चे आपके यहाँ क्यों इन्जॉय करेंगे? आप बच्चों के साथ कार्टून बैठ के देखना शुरू करते हैं, बच्चा अपने कमरे में जाके क्यों कार्टून देखना चाहेगा? सही है ना? तो आप बच्चों को इतना अट्रैक्ट करें अपने घर के अंदर अपनी दिलचस्पी के साथ, तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आपने वो दिलचस्पी रखी, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे बाहर एक्टिविटी करना चाहते हैं, आप क्यों नहीं चले जाते उनके साथ? आप, मुझे पता है आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन आप बैठ तो सकते हैं ना जाके, कुछ थोड़ी हवा भी चेंज हो जाएगी, आपको दूसरे बच्चों को भी पता लग जाएगा। कौन सा बच्चा ये कहेगा कि पापा मैं क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूँ लेकिन ग्राउंड के बेंच पे आप नहीं बैठे? कोई कहेगा? नहीं कहेगा ना। मैं ग्राउंड के अंदर साइकिल चला रहा हूँ लेकिन आप नहीं बैठे, कोई कहेगा? नहीं कहेगा। आप भी चले जाएँ। किसने आपको मना किया कि जब बच्चे बाहर खेल रहे हैं मियाँ बीवी दोनों बाहर जाके जो है वो बैठ जाएँ? और मैं यकीन माने अगर आप अकेले जाके बैठ जाएँ, बीवी तो आ ही जाएगी आपको चेक करने के लिए। ये वहाँ क्यों अकेले जाके बैठ गए? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप बच्चों के साथ इंगेज नहीं होंगे, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो, और यकीन माने मेरा बेटा माशाल्लाह जो है वो टर्निंग 26, मेरी माई डॉटर टर्निंग 21, और आज की डेट में भी जो है वो रात को 1 बजे 1:30 बजे 10-12 दफ़ा धक्के दे के जब तक नहीं निकालते, वो हमारे कमरे से जाने के लिए तैयार नहीं है, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं वो उनके इंटरेस्ट की बातें करते हैं ना, और वो भी जा रहे इसी तरह की इंटरेस्ट में इंगेज करते हैं। तो आप भी तो मतलब जब तक बच्चों को मैग्नेट नहीं बनेंगे तो बच्चे क्यों आपके साथ आएंगे? फिर जाहिर बच्चे बाहर जाएंगे।